हेलो एसबीडब्ल्यूबी गैंग, अजय भैया हियर। तो स्टूडेंट्स, जिसका आपको था इंतजार, हम सभी को बताएं स्टूडेंट्स, मैथ्स वन, मैथ्स टू, साइंस वन, साइंस टू, सभी पेपर्स अभी जो हार्ड पेपर थे, एक प्रकार से जिसका हमको सबसे ज्यादा टेंशन रहता था, वो वाले पेपर्स अभी हो चुके हैं। अभी बस पिद्दू से पेपर्स बचे हैं, मतलब एसएसटी बचा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, जिसको हम कहते हैं, जो कि हिस्ट्री के अंतर्गत ही आता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले यार थैंक यू सो मच, इतने ज्यादा विशेष आए हैं मुझे बर्थडे के आज के दिन कि मैं बता नहीं सकता हूँ। हजारों के ऊपर मेंशंस आए हैं इंस्टाग्राम पे, इतने सारे कमेंट्स, सो थैंक यू सो मच। मैं बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड और बहुत ज्यादा लकी महसूस करता हूँ कि इतनी ज्यादा बड़ी गैंग मैंने प्राप्त की है। एट द सेम वे स्टूडेंट्स, सभी बच्चों ने नीचे कमेंट्स में बताना है कि आपका पेपर कैसा गया। सभी का पेपर इस प्रकार से जाना चाहिए, ठीक है, मतलब सिंपल जाना चाहिए। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, अभी भी हमारे दो पेपर्स बचे हैं और ये दो पेपर्स में हमको महारत हासिल करनी है। हेलो, ध्यान दो। इसीलिए स्टूडेंट्स आज की स्ट्रेटजी जो होगी वो एकदम डिटेल में देखना है, क्या क्या चीजें मैं बता रहा हूं। उसके पहले स्टूडेंट्स आपको कुछ टारगेट दिया है इस पर्टिकुलर वीडियो पे, 11,000 लाइक्स। यार आपके लिए अभी कुछ नहीं है, फटाफट से 11,000 लाइक्स फटाफट से कर देने हैं। प्लस भैया को बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज एक बार नीचे कमेंट्स में बताना है कि आपका आज का पेपर, मतलब साइंस टू, बायोलॉजी और एनवायरमेंट साइंस का पेपर किस प्रकार से गया। और स्टूडेंट्स एट द सेम वे फटाफट से नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि अभी रहा नहीं जा रहा है, 2,50,000 सब्सक्राइबर्स हमारे कंप्लीट होने ही वाले हैं, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम फटाफट से आगे बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट्स, आज की जो डेट है वो है 20th of March, बरोबर। कल का भी दिन हमारे पास शेष बचेगा, तो कल का पूरा दिन है, और 22 तारीख को आपका जो है विच इज पेपर होने वाला है, बरोबर क्या नहीं। अभी स्टूडेंट्स एकदम अच्छे से ध्यान देना, सबसे पहली चीज यहाँ पे ध्यान दो, आपको आज क्या क्या करना है ये चीजें एकदम नोट डाउन करके रखना। आज आपको क्या करना है, देखो मैं पहले हिस्ट्री का बता रहा हूं, ध्यान से समझना। हेलो, ध्यान दो, जिनको कुछ भी नहीं आता है भाई, आज आधे दिन के अंदर तुम्हारे आधा पेपर में कवर कर दूंगा, 20 मार्क में तुम्हारे कवर करके दे दूंगा, बस अच्छे से देख। और कल के पूरे दिन में पूरा 20 मार्क तू कवर कर लेगा। देखो आधे दिन में आप अगर 20 मार्क कवर कर ले हो तो पूरे दिन में तो हो ही जाएगा। तो एकदम लॉजिकली देखना क्या क्या चीजें बोल रहा हूं। सबसे पहली चीज अच्छे से समझना, आज के दिन क्या क्या करना है, ये होगा 20th March का पूरा के पूरा रोड मैप, ओके। सबसे पहले हिस्ट्री का आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर वन ए जो होता है, जिसको हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं, वो होगा 3 मार्क, ठीक है भैया, हम पूरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर वन बी जो होता है, वो होते हैं तुम्हारे आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर्स, वो भी होंगे स्टूडेंट्स तुम्हारे 3 मार्क्स के, मतलब ऑब्जेक्टिव आपको करना है। फिर उसके बाद आपको आएगा विच इज क्वेश्चन नंबर 2A, जिसको हम बोलते हैं कंसेप्ट मैप, कुछ नहीं, मैप्स होते हैं जो भी आपके डायग्राम्स वगैरह होते हैं वो वाले, वो आपको आएंगे स्टूडेंट्स 4 मार्क, बरोबर। इधर तक क्लियर है। फिर उसके बाद आपको करना है क्वेश्चन नंबर 4, जिसको हम पैसेज बोलते हैं। पैसेज आता है, मतलब आता है, हर एक बोर्ड एग्जामिनेशन में पैसेज आता है, क्योंकि पैटर्न में ही दिया है आपकी। तो जो भी पैसेज होंगे वो कितने मार्क के हो गए, वो हो गए 4 मार्क के। मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप मोटा मोटा देखो, बस आपने ये ऑब्जेक्टिव्स भी कर लिए आज, मतलब हर एक लेसन के ऑब्जेक्टिव कर रहे हो, हेलो ध्यान दो, हर एक लेसन के रॉन्ग पेयर कर रहे हो, हर एक लेसन के कंसेप्ट कर रहे हो, और हर एक लेसन के पैसेज कर रहे हो। तो देखो 6 और 10, 6 और 4 कितने हो गए, 10, 10 और 4 14, मतलब हिस्ट्री में आप कितने मार्क्स गिरा लोगे आज ही, 14 मार्क्स, बरोबर। इधर तक समझे, ओके। अभी स्टूडेंट्स सेम पॉलिटिकल साइंस पे जाना है, आज आप क्या करोगे पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस का देखो क्वेश्चन नंबर 6 होता है, जो कि आपको पूछा जाता है वापस एक बार MCQs, वो आएगा आपको 2 मार्क के लिए। और फिर क्वेश्चन नंबर 7 होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रू और फॉल्स, वो आता है 4 मार्क के लिए, मतलब ये टोटल हो गया 6 मार्क, मतलब स्टूडेंट 6 और ऊपर के 14 मार्क्स कितने हो गए, 20 मार्क कवर हो गए। सिंपल लग रहा है, नहीं लग रहा है, आप कौन से भी मीडियम से हो, सेमी मीडियम से हो, मराठी मीडियम से हो, या फिर आप इंग्लिश मीडियम के हो, अगर आपने, मैंने जो बोला है आज, अगर आपने बस इतना भी कर दिया, मतलब कुछ भी लर्निंग करने की जरूरत नहीं है आपको, बस ट्रू और फॉल्स विद रीजंस आपको लर्न करना होता है, बाकी का सभी तो एकदम पिद्दू सा है। MCQ करोगे, हेलो ध्यान दो, फिर रॉन्ग पेयर्स करोगे, फिर कंसेप्ट मैप करोगे, पैसेज एक बार पढ़ लोगे, MCQs कर लोगे पॉलिटिकल साइंस का, ट्रू और फॉल्स। तो भी स्टूडेंट्स, जो भी नमूना बच्चा होगा जिसको लग रहा होगा भाई हिस्ट्री में तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं,
तो भाई ये 20 मार्क आपके जेब में है अगर तूने आज ही कर दिया तो, अगर तूने ये जो मेरा रोड मैप ये फॉलो कर दिया तो। इसी बात पे स्टूडेंट्स फटाफट से लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। इतना डिटेल में एनालिसिस करके तुमको कोई नहीं देने वाला है हिस्ट्री के पेपर के लिए, समझ में आ रहा है? तो फटाफट से लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, नहीं तो पेपर अच्छा नहीं जाएगा। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, रिस्क लेने का नहीं, सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का, समझ में आया? सो हिस्ट्री का आप क्या क्या करोगे, वापस एक बार बोल रहा हूँ, आज एमसीक्यू करोगे रॉन्ग पेयर कंसेप्ट पैसेज और पॉलिटिकल साइंस का एमसीक्यू ट्रू ऑफ फॉल्स, क्लियर है? अभी स्टूडेंट्स हम सभी को पता है कि आपका अभी पेपर खत्म होने वाले हैं, 25th तक की आप पढ़ाई करने वाले हो, 26 तारीख से एकदम फ्री होने वाले हो। तो उसी वजह से 10th से 11th में जो भी बच्चे जाने वाले हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर चीज मैंने लाया है, विच इज अन एकेडमी स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसको हम UST के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें स्टूडेंट्स आपको 90% स्कॉलरशिप्स मिलेगा, प्लस आपको लैपटॉप्स गिफ्ट मिल सकते हैं, स्मार्ट वॉचेस मिल सकते हैं और बहुत सारी चीज। फ्री में एनरोल करना है स्टूडेंट्स, फ्री में, फ्री समझता है, फुकट, फ्री में एनरोल करना है। आपको क्या करना है, लिंक में एक बस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी देखो ध्यान से सुनना, जो भी बच्चे फ्यूचर में IIT JEE करना चाहते हैं, मतलब ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, या फिर जो भी बच्चे नीट करना चाहते हैं, और ऐसे सभी बच्चे, मतलब जो 9 से 10th में जा रहा है, 10 से 11th में जा रहा है, यहाँ पे लिख के देता हूँ, जो बच्चे 9 से 10th में जा रहे हैं, 10th से कहाँ पे जा रहे हैं, विच इज 11th में जा रहे हैं, और 11th से 12th में जा रहे हैं, इन तीनों कैटेगरीज के लिए जो है, विच इज ये पर्टिकुलर अनएकेडमी की स्कॉलरशिप टेस्ट है। स्टूडेंट्स मैं पहले बोल रहा हूँ फ्री में एनरोल है, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी लालाज और लालीज है वो सभी बच्चे इसमें एनरोल करें, फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट दे। और स्टूडेंट्स क्या पता अगर आपको भी गिफ्ट लग गए और सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल गया तो आपकी IIT और JEE जो कि महाराष्ट्र के ही नहीं इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे मैं जैसे बोल रहा हूँ व्हाट इज अन एकेडमी स्कॉलरशिप टेस्ट। सो ये टेस्ट में आपको 90% स्कॉलरशिप टेस्ट रिवॉर्ड मिलेंगे 25 करोड़ तक के, प्लस ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो 10वीं से 11वीं में जा रहे हैं और 11वीं से 12वीं में जा रहे हैं। अभी स्टूडेंट्स जो 11th में जा रहे हैं, मतलब जैसे आप हो एक बाय चांस, तो आपको 10th का जो होगा वो 80% सिलेबस होगा और 11th का 20% सिलेबस होगा, समझ में आया? और जो बच्चा 12th में जा रहा है अभी तो उसको 11th का 80% सिलेबस होगा, 12th का 20% सिलेबस होगा, तो 80-20% में डिविजन किया है। अभी जो फर्स्ट रैंक आएगा उसको एप्पल का मैकबुक मिलेगा 1,20,000 तक का, जो सेकंड रैंक आएगा उसको एप्पल स्मार्ट वॉच मिलेगा, जो थर्ड रैंक आएगा उसको JBL का स्पीकर मिलेगा 20,000 तक, जो फोर्थ से लेकर 10 रैंक तक आएगा तो उसको अमेजोन के वाउचर मिलेंगे 2,500 के, और जो 11 से लेकर तो 100 तक आ रहे हैं, मतलब 90 जो स्टूडेंट्स होंगे उनको अमेजोन का वाउचर मिलेगा 1,000 तक का। स्टूडेंट्स ये फ्री में एनरोल करना है, फ्री में एनरोल करना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके भर लेना, OTP BTP आएगा, एकदम अच्छे से पूरा की पूरा कर लेना है। डेट मैं बोल रहा हूँ स्कॉलरशिप की डेट होने वाली है विच इज 23rd of March 2024, और ये दो स्लॉट्स में होंगे, एक 11 बजे भी होगा और एक दूसरा जो होगा 5 बजे, तो आपको अगर 11 बजे देना है तो 11 बजे सिलेक्ट करना, 5 बजे देना है तो 5 बजे। सो स्टूडेंट्स अन एकेडमी स्कॉलरशिप टेस्ट UST की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जाके जरूर फिलअप कर लेना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखो नुकसान तो होने नहीं वाला है, अगर लग गया तो हो गया, अच्छी बात होगी, और इससे आपको भी समझ में आएगा कि आपको कितना आ रहा है, ठीक है? तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाके जरूर एनरोल कर लेना है, भैया के भरोसे पे जाओ, टेंशन लेने का नहीं, ठीक है? ओके बैक टू द टॉपिक, 20 मार्च का मैंने बता दिया है, अभी हम आएंगे 21st of March। अभी 21st of March पे देखो स्टूडेंट सुबह एक वीडियो आएगा मेरा। अभी हिस्ट्री में तो एवरग्रीन टॉपिक्स नहीं होते हैं, लेकिन मैं एवरग्रीन क्वेश्चंस देने की कोशिश करूंगा आप सभी को, तो वो क्वेश्चंस कर लेना। और प्लस अभी क्या करोगे, आप लास्ट चैप्टर से स्टडी शुरू करोगे, लास्ट चैप्टर से, समझ रहे हैं? मतलब हिस्ट्री में 9 चैप्टर्स है बरोबर, तो आप 9 से फिर 8 पे जाओ, फिर 7 पे जाओ, ऐसे करके जाना है, मतलब स्टार्टिंग से लास्ट तक नहीं जाना है आपको, 9 से 8 पे, फिर 8 से 7 पे, ऐसे चैप्टर्स करके जाने हैं, प्लस 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 PYQs भी आपको करने हैं। अभी स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, जो जो चीजें मैंने बताई है प्लीज इनको डिटेल में फॉलो करना, 21 मार्च को क्या क्या करना है और 20 मार्च को क्या क्या करना है। 20 मार्च का तो एक कर देना है, सभी बच्चे जितने भी यहां तक देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे जरूर मुझे टैग कर देंगे कि हाँ भैया हम चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं, 11,000 लाइक्स का एम रखा है, चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट्स हजारों के ऊपर मुझे कमेंट चाहिए कि पेपर आपका कैसे गया है, ठीक है? क्लियर है सबको? सो आई होप स्टूडेंट्स दिस वीडियो वॉज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो,
और मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। स्टूडेंट्स शायद आज लाइव स्ट्रीम ना हो पाए क्योंकि मैं रात को थोड़ा बिजी रहूंगा, बट या जो जो चीजें बोली है वो कंप्लीट कर लेना, कल वापस से हम रूटीन पे आ जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं स्टूडेंट्स, तब तक मचाते रहो फोड़ते रहो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला वीडियो देख के जाओ, क्लिक करो।